हाय दोस्तों, क्या हाल है? फ्री हो? कुछ एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहते हो? तो बताता हूँ, एक जबरदस्त साउथ मूवी आवेशम। आज करेंगे मूवी आवेशम का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू। गाइस, एक गुंडा है, वो भी कितना अकेला फील कर सकता है, ये आप इस मूवी को देख के पता कर सकते हैं। एक गुंडा जिसके पास 100-200 लोग हैं जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकते हैं, वो भी कितना अकेला फील कर सकता है, आप इस मूवी से वो चीज देख सकते हैं। गाइस, स्टोरी बहुत डिफरेंट है, कुछ अलग है और कुछ कमाल दिखाती है। और कुछ हटके देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। कहानी शुरू होती है कुछ कॉलेज दोस्तों के साथ, जो कि बेंगलुरु के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं फॉर कॉलेज स्टडीज। सीनियर के हाथों होते हैं परेशान, सिखाते हैं रोप तो खाते हैं मार। फिर तीनों में से चलता है एक दोस्त का दिमाग और कहता है कि मिलाएंगे किसी लोकल पावर से हाथ, जो कि हमारा मदद करेगा सीनियर्स को पीटने में। इसी बात पे पहुंच जाते हैं एक बार और देखते हैं कि एक गुंडा है जिसके आगे 100-200 गुंडे यूं ही सर झुकाने के लिए तैयार हैं, और खून बहाना उसके लिए ऐसे है जैसे पानी बहाना। धीरे धीरे बॉन्डिंग गहरी होती है, दोस्ती यारी गहरी, और गहरी दोस्ती के साथ तीनों दोस्तों की लगती है वाट। अब तीनों हैं परेशान कि कैसे छुटकारा पाया जाए इस क्रिमिनल फेस से। फ्री की दारू, घर मकान और एक बुलेट बाइक, तीनों को मिलती है फुल आजादी। बस इसी तकरार में पहुंच जाती है क्लाइमेक्स तक बात, और क्लाइमेक्स देख के तो आप दोस्तों आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। फहद फासिल की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्या एक्टर है वो, ब्रिलियंट एक्टर ही, उनकी एक्टिंग कमाल है। हंसी मजाक, टफ राउडी, सब कुछ इस मूवी में उन्होंने दिखाया हुआ है। सारे एक्सप्रेशन उनके एक एक एक्सप्रेशन कमाल लगते हैं। मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा है, सुनने वाला है, बहुत प्यारा लगता है और हर जगह एकदम फिट बैठता है। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और एकदम रियलिस्टिक फील कराती है। कुछ जगह सीन्स एकदम बोरिंग लगते हैं, लेकिन एकदम से इंटेंस होने के साथ साथ वो आपको बांधे रखते हैं। मूवी का डायरेक्शन कमाल का है, उनकी वाइफ नजरिया ने ही इसको मूवी को प्रोड्यूस किया है, वो खुद इसमें प्रोड्यूसर हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं, जो कि लाजवाब है। फिल्म में कुछ लाइट सीन्स भी है, लेकिन लाइट सीन्स के चलते चलते फिल्म कैसे हार्ड क्लाइमेक्स से एकदम से सॉफ्ट, फिल्म कैसे एकदम लाइट थर्टेड फेज में खत्म हो जाती है, ये देख के आपको मजा आएगा। तो मेरी राय में आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, कुछ हटके है, कुछ डिफरेंट है। जैसे कि साउथ स्टोरीज डिफरेंट होती है, ऐसे ही ये कुछ हटके है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये मूवी, देखिए और बताइए। अमेजोन प्राइम में मूवी अवेलेबल है हिंदी में, तो जल्द से देखिए और कीजिए अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।